उसको हुआ क्या, कोई इन्फेक्शन उसको बैक्टीरियल या फिर क्या? इन्फेक्शन बड़ा वैसा है, हाइपोथर्मिया अंदर जा रहा है, टेंपरेचर लो है इसका भी। अच्छा जी, क्योंकि नॉर्मल टेंपरेचर इसका 102 होना चाहिए था जी, 100.1 पे। अच्छा, हाई टेंपरेचर होता तो अच्छी कंडीशन था, अच्छा साइन था कि इन्फेक्शन प्रॉपर नजर आ रहा था, एंटीबॉडी भी अच्छा अच्छा रिजल्ट आता। लेकिन ऐसी कंडीशन में अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज 2-3 दिन की क्लिप्स को मिलाकर व्लॉग बनाया है। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोग बोर नहीं होंगे। कोशिश यही की है कि व्लॉग को मैं शॉर्ट बनाऊँ और साथ में इंटरेस्टिंग बनाऊँ। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार सा हलीम बनाया है, क्योंकि सर्दियों में मुझे हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे और मेरी फैमिली को। तो अभी ये प्रोसेसिंग पर ही है, बन ही रहा है और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो लाइव मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ, और इस वक्त मैं वीडियो खुद ही बना रही हूँ तो मेरे हाथ से हिल भी रहा है मोबाइल, तो आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा। ये देखिए अभी बन ही रहा है, ये मैंने अभी इसको ग्राइंड कर लिया है, गोश्त और दालों वगैरह को ग्राइंड हैंड ब्लेंडर से। ये देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है। हम लोग एकदम ना बहुत ज़्यादा पिसा हुआ हलीम नहीं खाते, जो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है ना वैसा नहीं खाते। इसमें देखिए मैंने लेमन भी ऐड कर दिए हैं, और पिसा हुआ गर्म मसाला और चाट मसाला भी ऊपर से मैंने ऐड कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह का हलीम है माशाल्लाह। थोड़े मोटे मोटे जो इसके अंदर थोड़े थोड़े से जो दाने होते हैं ना जौ और गेहूँ के, वो हम लोग को पसंद है, वो मुंह में आने चाहिए तो अच्छे लगते हैं। जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो उसके बाद इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करते हैं, और ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए, तो फ्लेम को बिल्कुल हाई कर पकाते हैं। तो ये सब प्रोसेस हो चुका है, और अब मैं प्याज फ्राई करूँगी। तो ये देखिए ये प्याज भी कट हुई भी रखी हुई है, ये मैंने कट कर ली थी प्याज, और ये फ्राइंग पैन भी मैंने धो कर रख लिया था, ये देखिए धुला रखा हुआ है। तो बस अब ये काम करने हैं मुझे, और पीछे से चीकू एस यूजुअल चीख रही है, आवाज़ें दे रही है चीकू कि कहाँ हो। चलते हैं हम चीकू के पास। ये रे ये बेचारे यहाँ पर आए ना अबू के घर, तो ये छोटे ही केज में आए हैं अपने, बड़ा वाला जो इनका केज है वो घर में ही है, तो कौन लेकर आता है इतना बड़ा केज ना। तो यहाँ पर ये छोटा केज है, बेचारे बस गुजारा कर रहे हैं। ये देखिए बस ये गुजर जाएंगे दिन, तो ये फिर इंशाल्लाह अपने घर चले जाएंगे। ये ऑरेंज है, खासा डर्टी हो रहा है इनका पिंजरा। मैं दिन में 2 वक्त साफ़ करती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक सोने से पहले, जब ये बिल्कुल सोने वाले होते हैं उस वक्त मैं साफ़ करती हूँ इनका पिंजरा। तो अभी इनका सारा दिन भर का खाना पड़ा हुआ है, और ये सीड्स खा रहा है इस वक्त ऑरेंज। और हाँ, जो हमारे ग्रीन रिंग नेक है ना, उनको हम घर में ही छोड़ कर आएँ। अब ये करते हैं कि डेली घर जाते हैं और उनको खाना पानी फ्रूट्स वगैरह और रोटी इधर से मैं बनाकर यहीं से बना के मैं लेके चली जाती हूँ। उनको रोटी भी डाल देते हैं, तकरीबन 3 दिन तो हो ही गई आए हुए, तो डेली उनकी यही रूटीन रखी है, क्योंकि उनका अपने एक सेटअप है। वो एक्चुअली वाइल्ड पैरट्स हैं, तो वो इस तरह घर के अंदर नहीं रह सकते। ये तो हमारे बचपन से पली हुई चीकू है, हमें जानती है, तो ये लोग इंसानों को जानते हैं, तो इनको इंसानों की ज़रूरत भी होती है। उनको इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस उनको खाना पानी चाहिए और वो अपनी लाइफ में खुश हैं। वो बाहर गैलरी में ना, घर में तो बस हमने उनको वहीं छोड़ा हुआ है। तो चलें ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, अभी थोड़ी देर बाद ना हम लोग मिशमिश को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए लेके जाएंगे। आप लोग कहेंगे ये मिशमिश कौन है, तो ये मिशमिश हमारा ग्रे पैरेट का बेबी है, जो अभी कुछ दिनों पहले हमने लिया है, क्योंकि अभी तक हमने उसको डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया है। हम लोग को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसके पेट में ना कुछ दर्द वगैरह है, तो ये डॉक्टर से दिखाएंगे डॉक्टर को उसको। तो फिर आज फर्स्ट चेकअप होगा उसका। ये लोग तो जाते रहते हैं डॉक्टर के पास ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर मेरी मुलाकात में आप लोगों से मुलाकात करती हूँ जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे मिशमिश को। तो वीडियो को फौरन लाइक कर दें, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इंशाल्लाह। तो हलीम बन चुका है, और अभी हम लोग डॉक्टर के पास नहीं गए हैं मिशमिश को लेकर, और इस वक्त रोटियाँ बन रही हैं। और ये रोटियाँ जो हैं ये ज़ैनब बना रही हैं हमारी, उनको बहुत दिल चाह रहा है रोटियाँ बनाने का। तो ये आप डिज़ाइन देख लें रोटी का, टेढ़ी मेढ़ी रोटियाँ बना रही है, ज़ाहिर है बच्ची है, लेकिन रोटी तो रोटी होती है, हम खा लेंगे इसको भी शौक से इंशाल्लाह। तो मैं ये एहतियातन रोटियां बना रही हूँ कि क्या मालूम हलीम के साथ किसी ने रोटी मांग ली तो फिर, वैसे तो हम लोग नहीं खाते रोटी हलीम के साथ, स्पून से ही हलीम खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं रोटियां बना रही हूँ। तो ये देखिए ये बेल ली है ज़ैनब, ये देखिए सारा जो पटरा बेलन है उसमें भी सब में आटा लगा हुआ है, और ये देखिए आटा मैंने ही गूँधा था, और ये इन्होंने जो पेड़ है उसको भी ख़राब कर दिया है, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। चलें कोई बात नहीं, बच्ची है ज़ैनब, ये हो गई है बेटा, इसको अब आप सेको।
तो अब ये ज़ैनब सेकेगी, देखें मुझे उनसे आना चाहिए इस तरह से काम ना, जब इनको ये काम करने पड़ेंगे तो ये एक्सपर्ट होंगी इन काम में इंशाल्लाह। ये बच्चियाँ और देखें माशाल्लाह रोटी फूल भी रही है ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त रोटी फूल रही है। बेटा साइड सेको और बस निकाल लो, ठीक है। इसी तरह काफ़ी सारी रोटियाँ बना लेंगे ज़ैनब ने, ये सारी रोटियाँ ज़ैनब ने बनाई हैं माशाल्लाह। बने रहिएगा वीडियो में साथ। अभी इस मिशमिश को लेके जाना है डॉक्टर के पास, अभी तक मैं गई नहीं हूँ क्योंकि डॉक्टर जो हैं उसके 8 बजे बैठते हैं, तो अभी 8 नहीं बजे हैं रात के, जैसे ही 8 बजेंगे तो हम लोग निकलेंगे फिर डॉक्टर। आ गए हैं अपने डॉक्टर के पास। उसको हुआ क्या, कोई इन्फेक्शन है उसको, बैक्टीरियल या फिर इन्फेक्शन? बड़ा हुआ सर, हाइपोथर्मिया की तरफ जा रहा है, टेंपरेचर लो है इसका भी। अच्छा जी, क्योंकि नॉर्मल टेंपरेचर इसका 102 होना चाहिए था जी, 100.1 पे। अच्छा, हाई टेंपरेचर होता तो अच्छी कंडीशन था, अच्छा साइन था, इन्फेक्शन प्रॉपर नजर आ रहा था, एंटीबॉडी भी अच्छा अच्छा रिजल्ट आता। लेकिन ऐसी कंडीशन में जानवर के डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हाइपोथर्मिया में, टेंपरेचर जिसमें लो है जी। दवा से इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। कितने एमएल देनी है वो सारी लिख लिया है। कितने दिन हो गए इसको हुए हुए आपके ख्याल से, कितना अर्ज? नहीं पता, 2 दिन से डल हुआ है ये, 2 दिन से मेरे ख्याल से 2 दिन से ही हुआ है। एक्चुअली हमारे डॉक्टर हैं हम उन्हीं के वेट में थे, वो उनका बंद जा रहा है, जब भी जा रहे हैं क्लिनिक बंद, 2 दिन से बंद था ये बसेरा में। तनवीर, हमारे पास और भी पैरेट्स होते हैं ना, तो उन्हीं को दिखाया है हमेशा। जी बनाए हम या बना बनाया ले लें, बना बनाया होता है ना बच्चों के लिए, ले लेंगे हम हीटर में रख रहे हैं वो हाइड्रेशन मेंटेन करके हीटर में रखते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इनडायरेक्ट हीट से वो ज़्यादा बेहतर है बल्ब लगा। इनडायरेक्ट मतलब कि कमरे में दूसरी तरफ के रखा हुआ होता है, हीटर जमीन की तरफ चल डायरेक्ट। मिशमिश को हम लोग घर लेकर आ गए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, और सारी दवाइयाँ उसकी जो मेडिसिन डॉक्टर ने उसको लिख के दी थी सारी उसको सब कुछ उसको खिला दी हैं, और ये देखिए खाना खा लिया है मिशमिश ने और अब ये आराम कर रहा है। और अब हम जो है थोड़े फारिग हुए थे तो गली से निकल रहा था मूँगफली वाला, तो फिर हमने सोचा कि चने कुछ लेते हैं, तो मूँगफली तो नहीं ली हमने क्योंकि वो हम लोग को अच्छी नहीं लगती, हमारे गले हो जाते हैं उससे ख़राब, तो ये कद्दू के बीज लिए या तरबूज के बीज हैं किसी चीज़ के? हाँ ये किसी चीज़ के सीड्स होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं, आई डोंट नो ये कद्दू होता है या तरबूज होता है। अब आप ये देखिए ये जो है ना ये सिर्फ 50 रुपये के, इतने से मेरे ख्याल से 1 टेबल स्पून होंगे ये टोटल है ना, और ये कोई ये आज से 5-6 साल पहले 50 रुपये के हम लोग इतने सारे सारे मुट्ठी भर के लेते थे। 500 का पाव हो चुका है। हाँ 500 का पाव हो चुका है ये वाले सीड्स, ये देखिए ये बड़े सीड्स हैं, ये वो नहीं है खरबूजे के सीड्स नहीं है, ये बड़े वाले सीड्स हैं ये देखिए, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने ली गजक ली है, खैर हम इसी से इंजॉय कर लेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, हम यही खा के इंजॉय करेंगे। हमें भूख नहीं लग रही, बस दिल कर रहा था कि एक क्रेविंग हो रही थी कि चलें लेते हैं, गुजर रहा था हमें आवाज आई तो हम बस। हाँ अभी गाड़ी से उतर ही रहे थे तो फिर वो नज़र आया मूँगफली वाला, तो फिर हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं, और ये गजक है जो भी हम लोग इंजॉय करेंगे खाएंगे, खाने के बाद खाएंगे लेकिन ये चीज़ें ना आप लोग। तो ये कितने की ली मास गजक, ये वाली 100 में 2 आई हैं, ये 50 की 1 है, ये जो पीस है ना ये भी 500 का पाव है ये देखिए, ठीक है। तो ये महंगाई का आलम देखिए सर, तोड़ के महंगाई इस वक्त हम लोग पर गालिब हुई हुई है। दिल तो चाह रहा है कि हम अभी इसको टेस्ट कर लें, तो खाना हम बाद में ही खाएंगे, इसको हम पहले टेस्ट करेंगे। मास दिखाओ भाई, सब्र नहीं होता ऐसी चीज़ों में, मुझे बहुत पसंद है इस तरह के जो बीज होते हैं ना सीड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में चने माज ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए
ये देखिए मैंने भी तोड़ लिया है, ये अंदर से ऐसा सीट निकलता है जो कि बहुत मज़ेदार होता है। चलिए जी ये हम खाएंगे और फिलहाल इंजॉय करेंगे, और साथ में आप ये गजक भी, मांस निकालो गजक। तो ज़बरदस्त सा बीफ हलीम बनकर रेडी है, ये देखिए आप लोग लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त सी आई है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं किया है, यकीन जानिए इतना बिजी आज का दिन गुजरा है कि आप लोग को व्लॉग देख के अंदाज़ा ही हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।